आगरा के नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 15 जनवरी से 4 दिवसीय श्री 1008 मज्जनेन्द्र वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव एवं कलशारोहण एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। ये धार्मिक अनुष्ठान मुनिश्री अजित सागर जी महाराज ससंग के मंगल सानिध्य में सम्पन्न होगा। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज ससंग के मंगल सानिध्य में आगरा के नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री 1008 मज्जनेन्द्र वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव एवं कलशारोहण व विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जो 15 से 18 जनवरी के मध्य आयोजित होगा, जिसके लिए मुनि संघ के मंगल सानिध्य में 11 जनवरी को विद्योदय निलय संत निवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समिति के पदाधिकारियों ने श्री 1008 मज्जनेन्द्र वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव की पत्रिका का विमोचन किया। पत्रकार वार्ता में मुनि श्री अजित सागर जी महाराज ने श्री मज्जनेन्द्र वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के महत्व और विधि के बारे में जानकारी दी। आज उन भगवान को नवीन वेदी पर विराजमान करने का यहाँ पर एक भव्य आयोजन यहाँ के श्रावक जनों ने किया। हमारे पास आए, निवेदन किया कि विधि प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने इस कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। ये महोत्सव का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य भगवान को विराजमान करना तो है ही, साथ साथ एक अनंत भगवान की महिमा का गुणगान करना। भक्ति महोत्सव का एक आयोजन 3-4 दिनों में यहाँ पर होने जा रहा है। 4 दिवसीय विधान में मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज ससंग के दिशा निर्देशन में मंदिर की नवीन वेदी में श्री जी की नवीन प्रतिमा विराजमान की जाएगी। जैन फोकस के लिए नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी आगरा उत्तर प्रदेश से शुभम जैन की रिपोर्ट।